been is the past participle form of be and being is the present participle of the verb be जो be है वो verb be की first form है base form जो been है वो be verb की third form है यानी past participle और जो being है आप देखेंगे उसमें ing लग रहा है तो ये be की ing form है यानी present participle अब देखते हैं इन तीनों में डिफरेंस डिफ्रेंस है और कैसे यूज होती है सबसे पहले बी बी इज यूज वेन एवर द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब नीड्स टू तो बी यूज फॉर एग्जाम्पल आफ्टर एन ऑक्सिलरी वर्ब जब भी क्रिया के आधार पर बी का उपयोग किया जाता है यानी जो वर्ब है बी जहाँ पर भी उसका उपयोग होना हो वहाँ पर बी का यूज़ होता है जैसे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम बी का यूज़ करते हैं ओके जैसे यू शुड बी अशीम्ड आपको शर्म आनी चाहिए दिस कुड बी इंटरेस्टिंग ये दिलचस्प हो सकता है आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प मुझे मदद करने में खुशी होगी तो ये तीनों ऑक्सिलरी वर्ब है शुड कुड वुड और इन तीनों के बाद में हमने बी का यूज़ किया है ओके okay? इस तरह हम बी का यूज़ कर सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ओके okay? अब देखते हैं सेकेंड यूज यूज़ बी आफ्टर टू हेर आर सम वर्ब्स इन इंग्लिश देर आर ओफन फॉलोड बाई टू आप बी का यूज़ कर सकते हैं टू के बाद में यहाँ पर अभी मैं कुछ इंग्लिश की वर्ब दूंगी क्रियाएं दूंगी जो अक्सर टू के द्वारा फॉलो की जाती हैं ओके okay? तो देखते हैं वो कौन सी वर्ब्स हैं फर्स्ट वर्ड वी हैव होप होप आई होप टू बी एज वाइस एज माई फादर डे मैं किसी दिन अपने पिता के जैसे बुद्धिमान होने की उम्मीद करता हूँ यहाँ पर हमारी इंग्लिश वर्ब है होप जो टू के साथ यूज़ हुई है और हमने टू के बाद बी का यूज़ किया है लर्न शी इज लर्निंग टू बी लेस कंसर्न अबाउट अदर पीपल्स ओपिनियंस वह अन्य लोगों की राय के बारे में कम चिंतित होना सीख रही है तो यहाँ पर हमने किस वर्ब का यूज़ किया है लर्न का जो टू के साथ यूज़ हुई है और टू के बाद हमने बी का यूज़ किया है नेक्स्ट वी हैव नीड यू नीड टू बी रेडी फॉर वर्क बाई सिक्स थर्टी आपको साढ़े छः बजे तक काम के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है प्लान वी आर प्लानिंग टू बी इन London फ्रॉम द एटीन टू ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट हम लंदन में अठारह से तेईस अगस्त तक होने की योजना बना रहे हैं प्लान अर्थ होता है योजना और हमने यहाँ पे प्लानिंग के बाद टू का यूज़ किया और टू के बाद बी का यूज़ किया है तो इस तरह हम वी का यूज करेंगे आगे है प्रिटेंड मई किड्स आर प्रिटेंडिंग टू बी सुपर हीरोज मेरे बच्चे सुपर हीरो होने का नाटक कर रहे हैं प्रिटेंडिंग टू बी आई प्रोमिस टू बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग मैं बैठक के लिए समय पर होने का वादा करता हूँ ट्राई ही सैट ही वुड ट्राई टू बी मोर पेशेंट ही सैट ही वुड ट्राई टू बी मोर पेशेंट उन्होंने कहा कि वे और अधिक धैर्यवान होने की कोशिश करेंगे ट्राई टू बी want आई want टू बी fluent इन इंग्लिश मैं अंग्रेजी में धारा प्रवाह होना चाहता हूँ यानी fluent होना चाहता हूँ तो ये कुछ वर्ब हैं जो अक्सर टू के द्वारा फॉलो की जाती हैं और हम टू के बाद बी का यूज़ करेंगे आप देखते हैं हम बींग का सही यूज़

अब आप सोच रहे होंगे मैंने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस नाम मेंशन किया है पास कॉन्टीन्यूस भी किया लेकिन फ्यूचर कॉन्टीन्यूस क्यों नहीं किया उसका एक रीज़न है पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा और लगेगा क्योंकि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शेल बी अब आप विल बी या शेल बी के बाद बींग यूज़ करेंगे तो कितना और लगेगा आई शेल बी बींग यू विल बी बींग ओके बहुत और लगेगा सेकेंड फ्यूचर टेंस में हम सिर्फ एक्शन वर्ब का यूज़ करते हैं जिससे कोई एक्शन हो जैसे प्ले जम्प ओके ऐसी एक्शन वर्ब का यूज़ करते हैं हम स्टेटिव वर्ब का यूज़ नहीं करते इसलिए मैंने यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का नेम मेंशन नहीं किया बींग कैन यूज़ आफ्टर इज एम आर were. हम बींग का यूज़ कर सकते हैं इसके बाद एम के बाद आर के बाद या फिर वर के बाद जैसे द नेटवर्क इज बींग री स्टार्टेड नेटवर्क को फिर से शुरू किया जा रहा है यहाँ पर हमने इसके बाद बींग का यूज़ किया है आई वॉज़ जस्ट बींग ऑनेस्ट मैं सिर्फ ईमानदार बन रहा था आई वॉज जस्ट बींग ऑनेस्ट ओके okay? तो इस सर हम यूज़ कर सकते हैं बीइंग का इज एम आर या वाज वर्ग के बाद में यू कैन ऑल्सो यूज़ बींग आफ्टर दीज वर्ब आप बींग का यूज़ कर सकते हैं इन इंग्लिश वर्ब के बाद जैसे अवॉइड इन्जॉय कैन स्टैंड डोंट माइंड लुक्स फॉरवर्ड टू प्रैक्टिस स्पेंड टाइम एंड स्टॉप इन वर्ब्स के बाद आप बीग का यूज़ कर सकते हैं जैसे स्टॉप बींग लेजी एंड हेल्प मी वॉश दल आलसी होना बंद करें और मुझे बर्तन धोने में मदद करें आई एन्जॉय बींग इन अ पोजिशन ऑफ लीडरशिप मुझे नेतृत्व की स्थिति में होने में मज़ा आता है शी टू उससे झूठ बोला जाना वह बर्दाश्त नहीं कर सकती तो इस तरह आप बींग यूज़ कर सकते हैं इन वर्ब्स के बाद में स्टॉप के बाद में इन्जॉय के बाद में कैन स्टेंड के बाद में और भी काफ़ी वर्ब हैं जिनको मैंने अभी बताया आपको नेक्स्ट ऑलवेज यूज़ बींग नॉट बी और बीन आफ्टर प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के बाद हमेशा बींग का यूज़ करें बी का या फिर बीन का यूज़ प्रपोजिशन के बाद ना करें I was in the hospital for a month after being in a car accident. कार दुर्घटना होने के बाद मैं एक महीने तक अस्पताल में रहा यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है आफ्टर उसके बाद हमने बींग का यूज किया है दिस इज द प्रॉब्लम विद बीग लेट ऑल द टाइम हर समय देर होने की यही समस्या है दैट्स द प्रॉब्लम विथ बींग लेट ऑल द टाइम विद जो है प्रेपजिशन है उसके बाद हम बींग का यूज़ किया है द बेस्ट पार्ट ऑफ बींग अ टीचर इज़ इंट्रैक्टिंग विद अ स्टूडेंट शिक्षक होने का सबसे अच्छा हिस्सा छात्रों से बातचीत करना है द बेस्ट पार्ट ऑफ बींग अ टीचर इज इंट्रैक्टिंग विद स्टूडेंट्स तो यहाँ पर जो हमारा प्रेपोजिशन है क्या ऑफ उसके बाद हमने बींग का यूज़ किया है तो इस तरह आप यूज़ कीजिए और प्रेपजिशन के बाद बी का जब ज़रूरत हो ना कि बी का या फिर बीन का ये गलत हो जाता है हमेशा प्रेपजिशन के बाद हम बींग का यूज़ करते हैं नाउ वी हैव बीन बीन इज द पास्ट पार्टिसिपल जो बीन है वो बी फॉर्म का पास्ट पार्टिसिपल है यानी थर्ड फॉर्म है यूज इट आफ्टर द वर्ब्स हैज़ हैव विच इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड हैड विच इज ए पास परफेक्ट आप बीन का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हेव के बाद या फिर पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद आप इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो विल हैव बीन या शेल हैव बीन बन जाएगा जो कि हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं बीन का यूज़ कीजिए सिर्फ पास प्रेजेंट परफेक्ट में एंड पास्ट परफेक्ट में फॉर एग्जाम्पल हैव यू एवर बीन टू लंदन क्या आप कभी लंदन गए हैं माई कार हैज़ been स्टोलन मेरी कार चोरी हो गई है बाई द टाइम ही किम वी हैड बिन वेटिंग फॉर एन hour. जब तक वह आया हम एक घंटे तक इंतज़ार कर चुके थे तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं बीन का प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में हैज़ हैव या फिर uh, हैड के बाद ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब देखते हैं हम बीन का सेकेंड यूज़ सो यूज बीन आफ्टर कोड हैव शुड हैु हैव आप बीन का यूज़ कर सकते हैं कोड हैव के बाद शुड हैव के बाद या फिर वुड हैव के बाद अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं यू शुड हैव बीन ऑन टाइम फॉर योर जॉब इंटरव्यू आपको अपनी नौकरी के इंटरव्यू के लिए समय पर होना चाहिए था यहाँ पर हमने शुड हैव के बाद बीन का यूज़ किया I would have been a lawyer if I had finished my degree. अगर मैं अपनी डिग्री खत्म कर चुका होता तो मैं वकील होता तो यहाँ पर हमने would have के बाद been का यूज़ किया है अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल could have been earning a lot as an accountant, but the work was just too boring. मैं एक अकाउंटेंट के रूप में बहुत कमा सकता था लेकिन काम बहुत उबाऊ था ओके okay? तो इस तरह आप कुड हैव वुड हैव एंड शुड हैव के बाद बीन का यूज कर सकते हैं सो so, ये थे बी बींग एंड बीन के यूज आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए हों कि कहाँ पर हम इनका यूज कर सकते हैं वेल दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो इफ यू लाइक देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक दिस